हाय, मैं हूं जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। नमस्कार, मैं हूं अनुप नारायण सिंह और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं बनियापुर प्रखंड के मानोपाली पैक्स से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तीसरी बार ये चुनाव होगा और दो बार से लगातार जीतते आ रहे हैं वीरेंद्र कुमार सिंह जी से कि क्या कुछ विजन है और तीसरी बार पैक्स का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या कुछ उद्देश्य है इनका। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तीसरी बार आपकी क्यों? दो बार आप पैक्स का चुनाव जीते हैं, क्या आपको लगता है कि आपने अपने पंचायत के लिए बेहतर काम किया है? क्या क्या काम आपने किया है? हम किया है जी, जन वितरण का सुविधा किया जी, धान का खरीद भी जी सही समय से किया है जी, खाद भी नहीं। आपको जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका सहयोग आपको मिलता है यहाँ पे? सहयोग नहीं मिलता है। आपको लगता है कि जहाँ से जो आता है खाद बीज किसानों को देने के लिए, ऊपरी स्तर पे ही लोग उसको खा जाते हैं और निचले स्तर पर आप लोगों को आक्रोश झेलना पड़ता है लोगों का? आक्रोश झेलना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं अपने स्तर से इसको सुधारने के लिए? क्या करें, सुनने नहीं करेगा तो क्या करें? नहीं तो आप पर लोगों ने भरोसा जताया है और फिर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो लड़ाई तो आप ही लड़ते होंगे। लड़ते हैं। तो क्या इस बार आप क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि अब सरकार बदली है, लोगों की सोच बदली है, सुधार किया जाएगा जी। क्या प्राथमिकता होगा आपका इस बार? ठीक होगा, चुनाव आप जीत के आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब किसी को समानता देंगे। किससे अपनी लड़ाई मांगते हैं आप इस बार? मैंने आप अपने किसी से आप लड़ाई नहीं मानना है, आपको लग रहा है कि पिछली बार भी लोग आपको चुनाव जिता के भेजेंगे, आप आएंगे? अभी प्याज का दाम बढ़ा हुआ है और बिस्कुमान जो है 35 रुपए किलो की दर से 2 किलो प्याज प्रति व्यक्ति बांट रहा है, कि आप अपने भी पैक्स के माध्यम से चाहेंगे कि प्याज बटे गांव में? आ जाएगा तो जरूर बटेगा। यह है वीरेंद्र कुमार सिंह जी और चूंकि आपको लग रहा है चूंकि ये काम किए हुए हैं और इसी कारण से तीसरी बार भी इनको कॉन्फिडेंस है कि लोग इनको चुनाव जिताकर फिर पैक्स का अध्यक्ष बनाएंगे। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.